हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में। मैं हूं आपका फैंटेसी फुटबॉल होस्ट आकाश त्यागी। आज हम बात करेंगे सीरी आ के मैच यूवेंटस वर्सेस नेपोली की। हर बार की तरह इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस रिजल्ट्स, प्रोबेबल लाइनअप्स एंड बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की भी। पर फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपके साथ एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं। जी हां गाइस, फाइनली व्यू स्पोर्ट ऐप लॉन्च हो चुका है। इस ऐप में आपको मिलेगा लाइव स्ट्रीम ऑफ मैचेस, स्टैटिस्टिक्स, स्कोर्स एंड उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारे फुटबॉल लीग्स के प्रीव्यूज एंड बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशंस भी। जी हाँ फ्रेंड्स, ना सिर्फ कुछ फेमस लीग जैसे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग, स्पैनिश लीग, इटालियन लीग, बल्कि कुछ वो लीग्स अराउंड द वर्ल्ड जिनके बारे में शायद आप पहले उतना नहीं जानते थे, जैसे जे लीग, अर्जेंटीनियन लीग, इजिप्शियन लीग, सऊदी अरेबियन लीग, MLS लीग, जितने भी फुटबॉल लीग्स अराउंड द वर्ल्ड आप सोच सकते हैं, उन सब के प्रीव्यूज एंड बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशंस भी। एंड यही नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ फुटबॉल के ऊपर नहीं बल्कि क्रिकेट के ऊपर भी आपको सारा कंटेंट व्यू स्पोर्ट ऐप में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिर देर किस बात की है, चेक इट आउट व्यू स्पोर्ट ऐप राइट नाउ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ व्यू स्पोर्ट का ऑफिशियल फुटबॉल हैंडल भी आ चुका है इंस्टाग्राम पे, प्लीज फॉलो दिस इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं हमारे आज के मैच की। सबसे पहले प्रीवियस रिजल्ट्स। अगर बात करें यूवेंटस की, तो यूवेंटस ने अपना पिछला मैच 1-1 ड्रॉ खेला था इन यूएफा यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग वर्सेस स्पोर्टिंग लिस्बन, जिसमें एकमात्र गोल स्कोर किया था एड्रियन रेबियोन। वहीं पर अगर बात करें नेपोली की, तो नेपोली ने अपना पिछला मैच यूएफा चैंपियंस लीग में खेला था वर्सेज एसी मिलान, जो कि उन्होंने 1-1 ड्रॉ खेला था, जिसमें एकमात्र गोल स्कोर किया था विक्टर ओसिमेन का। अब बात करते हैं सीरिया टेबल स्टैंडिंग्स की। अगर बात करें यूवेंटस की, तो यूवेंटस फ्रेंड्स इस समय वापस थर्ड पोजीशन पर आ चुका है। जैसे कि आपको पता ही होगा, पहले कुछ फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज की वजह से इनके 15 पॉइंट्स डिडक्ट कर लिए गए थे और ये 7th पोजीशन पर खिसक गए थे, बट अब फाइनली वो 15 पॉइंट्स इनको वापस दे दिए गए हैं, जिस वजह से ये वापस थर्ड पोजीशन पर आ गए। तो इन्होंने खेले हैं 30 मैचेस, जिसमें इनके हैं अब 59 पॉइंट्स, इन्होंने स्कोर किए हैं 47 गोल्स एंड कंसीड किए हैं 25 गोल्स। वहीं पर अगर बात करें नेपोली की, तो नेपोली है इस समय फर्स्ट पोजीशन पर, इन्होंने भी खेले हैं 30 मैचेस, जिसमें इनके हैं 75 पॉइंट्स, इन्होंने स्कोर किए हैं 66 गोल्स एंड कंसीड किए हैं 21 गोल्स। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और बात करें प्रोबेबल लाइनअप्स की, मैं आपको बता दूं दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर, करेले का जूस। मैंने तो कैपुचिनो ऑर्डर किया था। मैंने आपको विजन 11 की टीम में लिया है, तो आपकी फिटनेस की केयर तो करनी पड़ेगी ना। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। तो अब बात करते हैं हमारी प्रोबेबल लाइनअप्स की। सबसे पहले यूवेंटस। अगर बात करें यूवेंटस की, तो फ्रेंड्स यूवेंटस एक 3-5-2 फॉर्मेशन में खेल सकते हैं, जिसमें इनके गोलकीपर हो सकते हैं शेज़नी, 3 मैन डिफेंस में हो सकते हैं डेनिलो, गैटी एंड सैंड्रो। फ्रेंड्स, डेनिलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऑलरेडी 3 गोल स्कोर कर चुके हैं, साथ में 3 असिस्ट भी दे चुके हैं। वहीं पर सैंड्रो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिफेंसिव पॉइंट्स के साथ साथ ऑफेंसिव पॉइंट्स भी देने की क्षमता रखते हैं। इवन लास्ट मैच में इन्होंने असिस्ट भी दिया था एड्रियन रेबियो को, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें चांस क्रिएशन से लेके असिस्ट के पॉइंट्स देने की पोटेंशियल रखते हैं। वहीं पर अगर बात करें 5 मैन मिडफील्ड की, तो यहाँ पर हो सकते हैं डी सिग्लियो, फगियोली, लोकाटेली, रेबियो एंड कॉस्टिच। फ्रेंड्स, रेबियो एक मस्ट पिक है और यूवेंटस के इस टाइम पर सबसे इनफॉर्म प्लेयर है, ये ऑलरेडी 8 गोल स्कोर कर चुके हैं, 3 असिस्ट दे चुके हैं, पिछले यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग मैच में भी इन्होंने गोल स्कोर किया था, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको शायद ड्रॉप करना हमारे लिए फीजिबल नहीं होगा। वहीं पर अगर बात करें कोस्टिच की, तो कोस्टिच भी 3 गोल और 8 असिस्ट दे चुके हैं, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों ही प्लेयर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, खासकर कोस्टिच जो कि लेफ्ट विंग से अटैक करते हुए आते हैं और काफ़ी रिदम में फ्लो के साथ चांस क्रिएशन, शॉट्स ऑन टारगेट और जैसे कि मैंने बताया असिस्ट देने की भी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। इनके साथ साथ लोकाटेली भी एक ऑसम पिक हो सकते हैं, ये आपको पासिंग, इंटरसेप्शन, टैकल से काफ़ी पॉइंट्स दे सकते हैं। अगर 2 मैन अटैक की बात करें, तो यहाँ पर हो सकते हैं मिलिक या फिर इनके साथ हो सकते हैं वलाहोविच या फिर डी मारिया। अगर वलाहोविच खेलते हैं, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी 8 गोल और 2 असिस्ट दे चुके हैं, ये हमारे लिए एक मस्ट पिक बन जाते हैं और ऑटोमेटिकली एक कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन पिक भी इन बन जाते हैं।
वहीं पर अगर डी मरिया स्टार्ट करते हैं तो डी मरिया ऑलरेडी 4 गोल और 4 असिस्ट दे चुके हैं। वहीं पर अगर बात करें मिलिक की तो मिलिक भी ऑलरेडी 6 गोल्स स्कोर कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स यूवेंटस एक कंबाइंड टीम है, इनके मिडफील्डर्स के साथ साथ इनके अटैकर्स भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये थोड़ा लो स्कोरिंग टीम जरूर है, डिफेंसिवली थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, इसलिए गोल्स थोड़े से कम स्कोर करते हैं, बट इनके मिडफील्डर्स और अटैकर्स काफी इंपॉर्टेंट पिक्स हमारे लिए रहते हैं। वहीं पर अगर बात करें नेपोली की तो नेपोली शायद एक 4-3-3 फॉर्मेशन में खेल सकते हैं, जिसमें गोलकीपर हो सकते हैं मेरिट, फोर मैन डिफेंस में हो सकते हैं डी लोरेंजो, किम, हेजेस, ओलिवेरा। यस फ्रेंड्स, फाइनली अपने सस्पेंशन के बाद किम वापस आ चुके हैं। फ्रेंड्स, फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से डी लोरेंजो एक मस्ट पिक हमारे लिए बन जाते हैं, जो ऑलरेडी 2 गोल और 4 असिस्ट दे चुके हैं। इनके साथ साथ किम 2 गोल 2 असिस्ट दे चुके हैं, और वहीं पर अगर हम बात करें हेजेस की तो हेजेस भी 1 गोल स्कोर कर चुके हैं, और ओलिवेरा 1 गोल और 2 असिस्ट दे चुके हैं। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपोली का डिफेंस जो है वो ऑफेंसिवली भी कितना डेंजरस है, वो अपने डिफेंसिव पॉइंट्स के साथ साथ गोल्स और असिस्ट से रेगुलर बेसिस पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ये हमारे लिए फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक्स बन जाते हैं। इनके साथ साथ आगे 3 मैन मिडफील्ड में हो सकते हैं एंगुएसा, लोबोत्का, ज़ेलेंस्की। फ्रेंड्स, ज़ेलेंस्की हमारे लिए एक मस्ट पिक बन जाते हैं, ये ऑलरेडी 3 गोल और 7 असिस्ट दे चुके हैं। इनके साथ साथ हो सकते हैं एंगुएसा, जो ऑलरेडी 2 गोल और 4 असिस्ट दे चुके हैं। इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन जो है नेपोली को ड्राइव करता है, इनके अटैकर्स को बॉल फीड करने का काम करते हैं दोनों, इसलिए काफ़ी डेंजरस प्लेयर्स हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये हमें टैकल्स और इंटरसेप्शंस के पॉइंट्स तो देते ही रहते हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए मस्ट पिक क्यों बन जाते हैं। अगर बात करें हम 3 मैन अटैक की तो यहाँ पर हो सकते हैं लोजानो। लोजानो फ्रेंड्स ऑलरेडी 3 गोल और 3 असिस्ट दे चुके हैं, और इनके साथ हो सकते हैं पूरे यूरोप के स्टार प्लेयर और इन डिमांड प्लेयर इस टाइम पर, वो है विक्टर ओसिमेन, और उनका साथ दे सकते हैं यूरोप के एक और आउटस्टैंडिंग यंगस्टर आर्मेनियन इंटरनेशनल क्वाट्सकेलिया। फ्रेंड्स, ये दोनों ही प्लेयर इस टाइम बहुत ही ज़्यादा हॉट फॉर्म में है, या फिर आप कह सकते हैं कि इनकी ट्रांसफ़र मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एंड आप शायद अगले ट्रांसफ़र विंडो में इन दोनों को बहुत ही हेफ्टी अमाउंट पर यूरोप के किसी बिग जॉइंट के साथ खेलते हुए देख सकते हैं। इवन क्वाट्सकेलिया तो ऑलरेडी रियल मैड्रिड के साथ लिंक्ड हैं, और वो ऑफिशियली बोल भी चुके हैं कि रियल मैड्रिड उनकी ड्रीम टीम है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टाइम पर यूरोप में हैं। बात करें अगर ओसिमेन की तो ओसिमेन ऑलरेडी 21 गोल्स और 4 असिस्ट दे चुके हैं। वहीं पर क्वाट्सकेलिया ऑलरेडी 12 गोल और 10 असिस्ट दे चुके हैं। इवन क्वाट्सकेलिया पेनल्टीज पर भी रहते हैं, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों हमारे लिए ऑटोमेटिकली कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन पिक बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन। फ्रेंड्स, यूवेंटस एंड नेपोली दोनों का ही डिफेंस इटालियन लीग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग या फिर सॉलिड डिफेंस रहा है, तो इस मैच में हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम गोल्स हो सकते हैं, पर स्टिल एक छोटी सी एज नेपोली को यहाँ पर देना चाहेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग नेपोली शायद 1-0 ये मैच जीत सकती है। तो हमारे गोलकीपर होंगे शेज़नी, फोर मैन डिफेंस में हो सकते हैं डेनिलो, ओलिवेरा, के किम मिन जय एंड डी लोरेंजो। 3 मैन मिडफील्ड में होंगे रैबियो, एंगुइसा एंड ज़ेलेंस्की। 3 मैन अटैक में हो सकते हैं ओसिमेन, वलाहोविच एंड क्वाट्सकेलिया। कैप्टन हमने किया है ओसिमेन को, वाइस कैप्टन हमने किया है क्वाट्सकेलिया को। आप इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि यूवेंटस स्कोर करेंगी और वलाहोविच उस गोल को स्कोर कर सकते हैं अगर वो मैच स्टार्ट कर दें, तो आप उनको भी वाइस कैप्टन बड़े आराम से कर सकते हैं। आप इवन वाइस कैप्टन ज़ेलेंस्की या फिर रैबियो को भी कर सकते हैं, जिस फॉर्म में रैबियो चल रहे हैं, अगर आप उनको वाइस कैप्टन करते हैं इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा प्रीव्यू सीरिया के मैच यूवेंटस वर्सेस नेपोली का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू व्यू स्पोर्ट चैनल। थैंक यू।